ये चीज तो सर्टेन है उसके आने के बाद से बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे बारसा के स्क्वाड में में सो वो वो क्या है वो क्या है है चेंजेस एंड टैक्टिक्स जावी जावी एक्चुअली खिलाता की एक डॉक्यूमेंट्री जो कोचेस वॉइस ने अपलोड की थी उसमें उन्होंने समझाया था कि जावी अलसाद पे कौन सी टैक्टिक्स किस तरह का गेम प्ले इस्तेमाल करता है पोजिशन बेस्ड है सबको पता है एक थ्री फोर थ्री है सबको पता है बट कैसे वो एक फोर थ्री थ्री में अडेप्ट करेगा बिकॉज रूमर्स यही है न्यूज यही है कि बार्सोना पे ही इज गोना यूज दैट फोर थ्री थ्री

से जो सेवेंटी परसेंट होगा वो होगा टैक्टिकल पार्ट पे किस हिसाब से जावी इस फोर थ्री थ्री सेट को खिलाएगा एंड क्या एक्चुअली में उसका लाइनअप होगा video so, could begin curtain let me tell you that this video is sponsored by one football application it's a tremendous footballing app honestly i use it every single day and most of my research are based on the articles that are being provided on that one football application if you want to know in depth about your club about all the leagues around the footballing world that is the best application to have the best thing is that application is free and you can download that application from the link in my description अब तो बात करते हैं कि यावी एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस ला सकता है इस बार सोना की टीम में सबसे पहले तो मेरा ध्यान वहां जाता है ये जो चार बार्सोला के कैप्टन है पी के रोबर्टो आल्बा एंड सर्जियो बुस्किट्स क्या जावी इन लोगों को ड्रॉप करना अफोर्ड करेगा क्या ये खराब प्लेयर्स है अगर आप इनमें से देखो तो मुझे लगता है कि सर्जियो बुस्किट्स एंड जॉर्डी आल्बा आर स्टिल द वन जो कि प्रोबेबली बार्सोला पे अगले एक दो साल और खेल सकते हैं आई एम नॉट सो श्योर अबाउट जोराट पी के आई एम नॉट सो श्योर अबाउट सर्जी रोबोटो इवन रोबोटो का कॉन्ट्रैक्ट अभी फ्रोजन है उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत चल रही है आई डोंट नो कि क्या होगा बट जहां तक जावी की बात है वो पर्सनल से ज़्यादा फंक्शंस सिस्टम पे सिस्टम पे फोकस करने से ज़्यादा पोजिशन पे फोकस करता है ऑक्यूपेशन ऑफ दी स्पेसिस पे फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट पे फोकस करता है सो डजेंट मैटर सर जी रोबोटो खेल रहा हो या डेस्क खेल रहा हो इट डिपेंड्स कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोबेबली हम यहाँ पे कुछ चेंजेस देख सकते हैं जो तो जावी लाएगा एंड जस्ट बिकॉज ही हैज प्लेड विद दोज पीपल तो तुम कहोगे यार वो उनके साथ खेल चुका है कि इमोशनल अटैचमेंट है हाउ कैन ही बेंच देम बट नहीं बार्सिलोना की सक्सेस की जहाँ तक बात है वी हैव टू मेक सैक्रीफाइस एंड विद द इनकमिंग ऑफ जावी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पीके को ड्रॉप करे वो बुस्किट्स को ड्रॉप करे वो सर्जी रोबोटो को ड्रॉप करे विच वुड रिल लव टू सी अब बात यह है कि कौन से प्लेयर्स को साइन कर सकता है सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज सामने आ रही है अभी कि जावी वॉन्ट्स अ बॉल प्लेइंग सेंट बैक विद प्रोफाइल ऑफ हैवियर मैशरानो उसके क्लोज में एक जो प्लेयर है दैट इज जूल्स कूंडे ऑफ सेविया जिसका रिलीज क्लॉस सिक्सटी एट मिलियन सेवेंटी मिलियन यूरोज है चेलसी ट्राइड टू साइन हिम लास्ट लास्ट समर मार्केट में बट नहीं कर पाई बिकॉज सेविया वॉरेंट लेटिंग हिम गो तो जावी चाहता है कि उसको जूल्स कुंडे मिले प्रोबेबली एक और बंदा है जो कि जावी ने अपनी आंखें सेट कर रखी है दैट इज रूडगर ऑफ चेल्सी एसिकेटा ऑफ चेल्सी एंड क्रिस्चियसन ऑफ चेल्सी यस चेल्सी के ये तीनों जो प्लेयर्स है यह दो हजार बाईस में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो प्रॉबेबल है हो सकता है ऑन दम अब बात आती है कि इन तीनों में से कौन बेहतर होगा आई वुड रादर है अगर रूडगर अवेलेबल है लेटलोन फ्री में अवेलेबल है तो प्लीज हैव एम हमने ऑलरेडी दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लूज किए हैं आई वुड वॉन्टेड टू हैव आई was wanting टू हैव वर्नाल्डम एंड डेविड अलाबा Alaba. चोज रियल मेडविड वर्नाल्डम चोज पी एस जी तो प्रोबेबली ठीक है कुमान को साक करने से हमें 12 मिलियन का लॉस हुआ है बट स्टिल अभी जावी के आने के से वी नीड टू रिवॉम्प दी स्क्वाड तो मुझे लगता है रूडगर वुड बी बाय एक और बंदा है जो कि बहुत नेता है एंड वेरी क्विक आपको पता है रहीम स्टर्लिंग काम टाइम नहीं मिल रहा है तो प्रोबेबल हो सकता है एंड उसने भी बोला है कि वुड लाइक टू है मूव अवे तो हो सकता है कि बार्सोला गो आउट इस विंटर मार्केट में एंड कैन साइन एम मैं नहीं कह रहा हूं कि यह सारी साइनिंग आप एक ट्रांसफर मार्केट में अचीव कर सकते हो प्रोबे है कि आपको एक समर मार्केट और यू you नो know, देखना पड़े बिकॉज जैवी मिड सीजन आएगा ही वॉन्ट so अगले एक साल दो साल में ये टीम धीरे धीरे इंप्रूव होगी कुछ और एक दो रूमर्स कि जावी को कौन से प्लेयर्स चाहिए एक्चुअली में कोई नाम सामने नहीं आया बट प्रोफाइल सामने आई है दैट जावी वुड वॉन्ट टू हैव अ क्रिएटर मिडफील्ड में एक क्रिएटर हो टॉप एक स्ट्राइकर हो अच्छा बट बार्सिलोना पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं अभी भी तुम कहो कि जान भाई कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको हमें सेल करना चाहिए सबसे पहली बात आपको पता है कि लुक डियोंग वोंट कंटिन्यू इस सीजन के बाद से ही वुड बी गोइंग बैक मुझे लगता नहीं कि मार्टिन ब्रेथवेट अगेन वुड कंटिन्यू ऑल दो वी वुड लव टू हैव गोटवेट इन आर टीम हो सकता है कि प्रोबली आप क्लिम लॉन्गले एंड सैम टी में से किसी एक को देखो कि ही वुड लीव द क्लब बिकॉज न्यूकासल इंटरेस्टेड है क्लियम लॉन्गले में हो सकता है कि डेम्बेले वुड ऑल्सो लीव बट जहाँ तक जावी की बात है ही वुड लाइक टू हैव अ प्लेयर जो कि एक नेचुरल विथ प्रोवाइड करता है एंड इसीलिए ही वुड बी एडमेंट टू हैव डेम्बेले इन द टीम डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट की इशू आ रही है बट आई होप कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड ही वुड स्टे, ही वुड बी अ वेरी क्रूशल प्लेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ जावी जो कि मैं आगे टैक्टिक्स में समझाने वाला हूँ अपार्ट फ्राम दैट एक दो और प्लेयर है जैसे कि कुटिनियो है कुटीनियो कैन बी दैट क्रिएटर फॉर आस वो ही एज लॉस्ट एज टच ऐसा फील होता है बट प्रोबली हो सकता है इन द राइट डायरेक्शन अंडर द राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ जावी वो बेहतर खेल पाए उसके बाद से अब मुझे और कोई ऐसे प्लेयर्स नजर नहीं आते बट मैं एक प्लेयर सजेस्ट करूंगा जो कि मैं चाहता हूं बारसूला साइन करे अगर इफ दे आर गोइंग फॉर अ मिडफील्डर दैट इज फ्लोरियन विथ्स ठीक है बार लेवल क्वेश्चन डोंट मिस बिकॉज फ्लोरियन विद्स इज स्टेपिंग अप अ नॉच तो दैट गाय इज वेरी वेरी गुड मैं चाहता हूं कि वो आए अब लेट्स मूव ऑन टू टैक्टिकल पार्ट ऑफ इट आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर ज्यावी को साइन करने चाहिए मुझे कॉमेंट्स में तुरंत बताते चलना अब मूव ऑन करते हैं टैक्टिकल पार्ट में लेट्स टॉक अबाउट कि किस हिसाब की टैक्टिक ज्यावी खिलाएगा एंड क्या लाइनअप होगा उसका तो अगर सबसे पहले जावी के टैक्टिकल सेटअप की बात करें तो जावी ने साफ बोला है कि सेटअप एंड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है फिलोसफी आप पिच पे किस फिलोसफी से खेलते हो कितना इंटेंट आप बॉल पे दिखाते हो जावी का सबसे मूल मंत्र है कि वो पोजिशन बॉल पे रखना चाहते हैं पोजिशन फॉर हिम इज क्रेज फॉर पोजिशन एंड फुटबॉल एक गेम पोजिशन का गेम है आप फुटबॉल को आप जब फुटबॉल खेलने उतरते हो आप चाहते हो कि बॉल आपके पैरों पर रहे तभी आप फुटबॉल खेल रहे हो रनिंग एंड चेजिंग अराउंड इज नॉट बॉल नॉट फुटबॉल ओके तो या एक बेसिक सेटअप देता है जिसमें कि थ्री फोर थ्री होता है एक राइट सेंटर बैक यहाँ पे तीन सेंटर बैक्स होते हैं उसके दो नेचुरल uh, विंगर्स होते हैं जो कि पिच को स्प्रेड स्प्रेड अप करते हैं उसके पास दो क्राइम दो पिविट्स होते हैं जो सेंटर ऑफ द पार्क में खेलते हैं एंड दो इंटीरियर मिडफील्डर्स खेलते हैं आप

एवरी थिंग इट कम्स डाउन की न्यूमेरिकल सुप्रियोरिटी उस रीजन में कैसे जावी बनाएगा बीट इन डिफेंसिव फेज आप यहां पर भी देख रहे हो अगर फोर फोर टू की फॉर्मेशन में अपोनेंट जाता है तो जावी वुड सेट अप विथ द बैक थ्री जिससे कि उसको न्यूमेरिकल सुप्रोरिटी मिल जाए मिडफील्ड की अगर आप बात करोगे तो देख सकते हो दो दो पेविट के साथ साथ आपके दो इंटीरियर मिडफील्डर भी है यहां पे अगर आप न्यूमेरिकल सुप्योरिटी नहीं भी बना पाते हो देखो वन इज टू वन का है तो प्रोबली योर अदर प्लेयर्स कैन यू नो गो अप टॉप एंड क्रिएट दैट हाई नंबर्स अगर आपको अपने डिफेंडर्स को पुश करना है दैट बी वाइज तो प्रोबली होता है इनमें से एक बंदा सेंट ऑफ द पार्क में से ऊपर चढ़ता है एंड देखो यहां पे हो गया फाइव इज टू फोर न्यूमरिकल सुप्रोरिटी बन गई और ये बंदे ऊपर चढ़ सकते हैं तो इस हिसाब से जावी का बेसिक सेटअप होता है अब मूव ऑन करते हैं कि जावी बिल्डअप प्ले एंड प्ले आउट फ्रॉम द बैक कैसे करता है

ट्राई करता है कि उसको हमेशा एक फ्री मैन मिले एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग दैट फ्री मैन एंड दैट स्टार्ट राइट फ्रॉम द गोलकीपर तो प्रोबेबली आप यहां पे देख सकते हो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा अडेप्ट किया ज्यावी की उस डॉक्यूमेंट्री से मैंने उसकी हेल्प ली है डेफिनेटली बट मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करना चाहे एक फोर थ्री थ्री फॉर्मेशन में समझाने का तो so प्रोबली आप अगर ध्यान दें यहां पे अगर गोलकीपर के पास बॉल है वॉट हैपन इज की यहां पे दोनों जो सेंटर सेंटबैक्स हैं ये स्प्रेडअप होते हैं अगर सामने वाली टीम काफी हाई प्रेस करती है तो डेफिनेटली उनका स्ट्राइकर

Right ंगर है जो कि इस बंद को सेकेंड बंदे को प्रेस कर रहा है पूरी टीम अब टॉप चढ़ रही है यह बंदा इस पर आ रहा है यह बंदा इस पर चढ़ रहा है आपके सिंटर बैक्स आपके स्ट्राइकर को प्रेस कर रहे हैं अब कहा है मैं ये है आपका फ्री मैन डेफिनेटली गोलकीपर कैन पास थ्रू दैट फ्री मैन तो आप देख सकते हो किस हिसाब से स्पेसेस बन रही लेट्स से कि एक मैन ऑन मैन बन रहा है यहाँ पे ठीक है देखो अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं पास करने का आपको किस ऑप्शन अब किसको पास करेंगे अब क्या सीन हो सकता है देयर इज आइदर एन ऑप्शन टू गो लॉन्ग व्हिच जावी रेयरली यूजेस थिंग्स फॉल डाउन ऑन दिस गाय बंदा फ्री है मैन ऑन मैन मार्किंग होने के बाद से जूल्स कूडे का प्लेयर है पार्क you know, अब अगर यह बंदा चढ़ेगा बॉल लेके तो यह बंदा बेवकूफ तो है नहीं ये भी बंदा आएगा इसको प्रेस करने के लिए एंड देखो न्यूमेरिकल सुप्रोरिटी फिर एक दूसरा बंदा फ्री हो गया तो प्रॉबली हम इसको पास कर सकते हैं लेट्स की यहां पर आपका सेंटर आपका राइट right बैक भी चढ़ता है इस बंदे को प्रेस करने के लिए लुक एट दैट अनदर स्पेस क्रिएटेड टू इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द स्पेस लेट्स की ये

मैं चाहता हूं एंड इवन ज्यावी ये चीज चाहता है कि एक पास हो एंड हम पूरी मिडफील्ड को स्प्लिट कर दे वो चाहता है कि ज्यादा गेम जो खेला जाए अपोनेट के हाफ में खेला जाए रादर देन अपने हाफ में तो वुड वांट कि जल्दी से जल्दी हम ट्रांजिशन करें इनटू द अपोनेट हाफ अब अगर एक बार हम ओपोनेंट के हाफ में आ गए नाउ वट वी गट डू कैसे अटैक करेंगे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं बट बिफोर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यहां पर जो मैं भूल गया काउंटर अटैक बारसा कैसे कर सकती है बिकॉज काउंटर अटैक में बारसा लाग करती है लेट से कि सामने टीम काफी हाई प्रेस कर रही है बंदे ऊपर चढ़ रहे हैं मान

डिंग दैट पिच यावी के अकॉर्डिंग आप पिच को जितना फाड़ोगे जितना विथ दोगे उतना बेटर होगा बिकॉज़ और प्लेयर्स आपके इंटीरियर घुस के खेल सकते हैं तो काउंटर अटैकिंग भी बहुत इजी हो जाएगी बट अगर मेन प्रॉब्लम बारसा की कहाँ आती है जब वो डिफेंड करते हैं जब वो प्ले करते हैं अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम तो बेसिकली लो ब्लॉक टीम क्या एक प्रोबेबली एक 541 में सेटअप करती है देखो जावी क्या चाहता है न्यूमेरिकल सुपरियोरिटी अगर आपकी टीम सामने वाली एक 5-4-1 में सिट की है आपको स्पेस कहाँ मिलेगा यह बहुत अन है इस हिसाब का सेटअप नहीं होगा बिकॉज एक बंदे को मार्क करने के लिए चार लोग यहां पे क्या कर रहे हैं तो प्रोबेबली हमारे फुल बैग पहले तो ऊपर चढ़ेंगे यानी बहुत अच्छी बात है कि ज्यावी फुल बैक्स का इस्तेमाल करने से ज्यादा विंगर्स का इस्तेमाल करता है एंड वो अपने फुल बैक्स पे डिपेंड करता है कि वो ओकेजनली रन डाले तो हम डिफेंसिवली वनरेबल भी नहीं होंगे लेट सपोज कि हम एक लो ब्लॉक टीम ओ या एबार के अगेंस्ट खेल रहे हो तो वॉट वी कैन डू इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट नंबर्स हम क्या कर सकते हैं यहां पे हमारे इन दो प्लेयर्स ये जो दो प्लेयर्स हैं हमारे इस सेंटर ये स्ट्राइकर का ध्यान रखेंगे दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट इसका इसके रन का ध्यान रखना होगा हमें तो प्रोबली टू और यहां पर देखो थ्री ऑन वन बन रहा है तो न्यूमेरिकल सुप्योरिटी हमें ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो गई लेट से कि हम

भी बना सकते हैं एंड यहां पर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं बिकॉज तुम देख सकते हो हर एक छोटे, हर एक प्लेयर के पास एक बॉक्स बन तो बना सकते हैं, हैं फाड़ सकते हैं अब सीन क्या है अगर इनकी जो मिड फोर है ये थोड़ा वाइड है तो हम सेंट्रल से प्रोसीड कर सकते हैं हमारे, हमारे डिफेंडर ने इस बंदे को पास किया अब इसके पास ऑप्शन है कि वो लैटरल जाए बट लैटरल पास करना वाइज नहीं है पोजिशन फॉर द सेक ऑफ पोजिशन इज बे बेकार बात वी हैव टू बी वर्टिकल तो ये बंदा क्या कर सकता है कि इस सामने वाले को पास कर है, पास कर सकता है बट लेट से कि ये बंदा अगर इसको प्रेस करता है तो यहाँ पे इसके पास ये पासिंग लेन ब्रेक हो गई ये बंदा अपने आप को अच्छी जगह से पोजिशन करके ये पास ले सकता है अदरवाइज दिस गाय कैन ड्रॉप इन और दिस गाय कैन ड्रॉप इन एंड हम एक अलग पासिंग लेन ओपन कर देंगे ठीक है नाउ लेट से कि ये राइट हैंड साइड से मूव चला है सेम गोज़ विद दिस गाय अगर ये बंदे के पास यहाँ पे बॉल है ही इज़ पोजिश ओवर हेर एंड ये बंदा जो है इसको प्रेस करने के लिए चढ़ता है तो पॉसिबली हमारा स्ट्राइकर ड्रॉप इन कर जाएगा हमारा ये दूसरा बंदा है वो दूसरे फ्री एरिया में ऑक्युपाई करेगा तो हम इसको पास कर सकते हैं यहाँ से एंड विंगर प्रोबेबली इस एरिया को ऑक्युपाई करेगा तो एक और पासिंग लेन खुल गई इट्स ऑल अबाउट दैट मूवमेंट इट्स ऑल अबाउट ऑक्युपाइंग दोज रोल्स तो सेंटर ऑफ द पार्क में हम इस तरीके से रोल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं हमारा स्ट्राइकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चीज को करने में तो लो ब्लॉक को खेलने का एक बहुत ही ईजी तरीका है यू हैव टू मूव अब मान लो कि इनके जो मिड के प्लेयर्स है वो काफी सेंट्रल एंड काफी नैरो हो जाए देन वॉट वी हैव टू डू बिकॉज ऑप्शन तो बचा नहीं हमारे पास कहां है स्पेस यहां पे एंड दे आर वेरी लो एंड आर वेरी नैरो ये जो है ना आ, वर्टिकल कंपैक्टनेस मेंटेन करते हैं एंड दे एकदम से सेटल इन हो जाते हैं वहां पे व्हाट वी कैन डू इज गो वाइड हमारे प्लेयर्स विंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हम विंग्स पे एक्सप्लॉयड कर सकते हैं अब अगर मान लो इस प्लेयर के पास बॉल है ये विंगर को बॉल पास करता है एंड दिस गाय डजन गोज आउट टू प्रेस तो हम यहाँ पे या प्रोबली अगर ही इवन गोज आउट टू प्रेस तो हम यहाँ पे टू वी टू पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं जो कि मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा करती है इवन लिवरपूल भी ये चीज़ ट्राई करती है तो यहाँ पे हम टू वी टू सिनारियोज बना सकते हैं ये ऑपटॉप रन डाल सकते हैं

उससे एक उनपे और बर्डन क्रिएट हो जाता है तो लेट अगर करता है। प्रेस करना होगा जी लाइक्स टू तो यूज दैट मैन ऑन मैन प्रेसिंग बट तो एक ऑर्गेनाइज वे में हमारा स्ट्राइकर जाके इस बंदे को प्रेस करेगा व्हाट हैपेंस कि हमारे सारे प्लेयर्स एक एक मार्कर को इस्तेमाल कर लेंगे एक एक मार्कर को प्रेसिंग कर लेंगे मिडफील्डर्स भी प्रेस कर लेंगे अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा

आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक फोर थ्री थ्री का सेटअप लगा रखा मैंने अपोजिशन का अगर उनकी टीम लॉन्ग भी जाती है जैवी लाइक टू तो पोजिशन इज प्लेयर्स एक मीटर पीछे हर एक प्लेयर के ठीक है तो यहाँ पे इस हिसाब का हम एक सेटअप लगा लेंगे हर एक प्लेयर मार्क करेगा ये बंदा अभी सेंटर ऑफ द पार्क में फ्री है सीन क्या होगा कि हमारा एक ना एक मिडफील्डर जाके इसको प्रेस करेगा हमारा स्टीडियम भी खुश होगा ऊपर जाएगा चढ़ेगा इसको प्रेस करेगा देखो यहाँ पे मैन ऑन मैन बच गया तो लॉन्ग भी जाना अगर है तो भी जावी के पास उस चीज का सोल्यूशन है भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये टैक्टिक एकदम यू नो सॉलिड वाटर दिस कैन बी जावी की टीम गोल खाती है बट क्योंकि वो टैक्टिकली इतने फ्लेक्सिबल है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि दे कैन यू नो वर्क दे वे थ्रू इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट फ्री मैन जावी ऑलवेज एम्फोसाइजेज ऑन दैट सुपिरियोरिटी तो भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वीडियो मुझे फ्रेम करना बिकॉज जावी ने एक थ्री फोर थ्री फॉर्मेशन के हिसाब समझाया था मैंने एक काइंड ऑफ फोर थ्री थ्री बना के समझाने की कोशिश की है प्रोबेबली हो सकता है कि मैंने कुछ गलतियां की होंगी अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे प्लीज़ बताना कॉमेंट्स में आई फील कि मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई बेसिकली कवर्ड ऑल द एरियाज एक जयावी के फोर थ्री थ्री से सॉरी थ्री फोर थ्री से मैं फोर थ्री थ्री तक इस चीज़ को ट्रांजेक्शन किया हूँ तो लेट सी लेट सी आप लोगों का क्या ख्याल है आई वुड लाइक टू नो फॉर एवरीथिंग फ्रॉम यू गाइज मुझे कॉमेंट्स में बताना एंड आई होप

जीवी ने यही बात बोली थी तो बाई हैविंग सेट दैट मैं वीडियो को यही एंड करूंगा वीडियो थोड़ा सा लंबा है मुझे पता है बट बाई टैक्टिकली मैंने काफी सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की सो इट ऑल कम्स डाउन टू एंड में इट डजेंट मैटर कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं इट मैटर्स आपका स्टाइल क्या है आपका फंक्शंस क्या है प्लेयर्स के जैसे टुकिल की चिल्सी है जैसे सिटी की सिटी है जैसे पेप की सिटी है राइट तो वो ज्यादा पर्सनल पर डिपेंड नहीं करते उनका एक सेट टैक्टिक्स है उसमें प्लेयर्स आते हैं फिट होके खेलते हैं बी महारेस, महारे बर्नाडो सिल्वा और साइड। तो दैट्स वॉट वी वॉन्ट सी एक रिजोल्यूट ऑर्गनाइज बार्सलोना एंड बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सो so, प्रोबली हमें यू you नो know, देखने को मिलेगा गुड फुटबॉल अगेन सो गाइज दैट इज ऑल अफ फॉर दिस वीडियो आई सी यू गाइज वेरी सुन अलटिल